फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला पार्ट कहाँ आता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले ये है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल्स आते हैं आपके 52 से लेकर 151 तक, ठीक है, 52 से लेकर 151 तक के इतने सारे आर्टिकल आपके पार्ट फाइव में ही आते हैं। और ये बेसिकली है आपका द यूनियन के नाम से। अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, ये अभी इस वक्त चैप्टर वन की बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे पहले तो होता है पार्ट, पार्ट के अंदर क्या होता है, पार्ट के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर वन हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे हैं। इसमें से पहला चैप्टर कहता है आपका द एग्जीक्यूटिव, और फिर एग्जीक्यूटिव के बाद इसी के अंदर और दूसरा चैप्टर आएगा, जैसे कि लेजिस्लेटिव के लिए एंड फिर जुडिशियल के लिए। सो अभी हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। सो पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास। उससे पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे ही न्यू लेसन अपलोड हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवदीप कौर एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा और मेरे सारे कोर्सेज एनरोल करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं न्यू लेसन वहाँ पर एड करूँ। सभी लेसन मेरे वहाँ पर कोर्स फॉर्म में है और जो इजी टू अंडरस्टैंड है, और आपको एक ही जगह पर सभी लेसन वहाँ पर मिल जाएंगे। सो आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करोगे आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो इसके अंदर आर्टिकल बताए हैं मैंने, तो इसमें एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है आपका? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों आते हैं आपके किस में? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। सो अभी हम आज की डेट में जो कवर कर लेंगे 52 से लेकर 60 तक के आर्टिकल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट इन सब को तो अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सो प्रेसिडेंट का अगर हम समझे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का राष्ट्रपति के बारे में जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट ही बोला है, तो वो आर्टिकल नंबर 52 में बोला है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, ये इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर इलेक्शन के बारे में बताया गया कि कैसे इसका इलेक्शन होगा। सो लेट अस सी द नोट्स। सो यहाँ अगर हम देखें तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो इसके अंदर आता है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये हमने डिस्कस कर लिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। सो आर्टिकल नंबर 52 कहता है, प्रेसिडेंट को बारे में बताता है प्रेसिडेंट कौन है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 53 बताता है कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव का फंक्शन ये करते हैं। एंड देन इसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है ये सब अब आएगा आपका। सो आर्टिकल नंबर 54 में आ जाता है इनका इलेक्शन, ठीक है, इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट। अब किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है इनको? इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है हमारे प्रेसिडेंट का, यानी कि पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे? जितने भी आपके यहाँ पर इलेक्शन के लिए कॉलेज बनाया जाता है, इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाता है, उसके द्वारा, अब इलेक्ट्रल कॉलेज के अंदर कौन है? वो सारे जो जिनको पब्लिक ने चुना है वो सब है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन हो रहा है उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा जिनको पब्लिक ने ही चुना है, डायरेक्टली चुना है, ठीक है। सो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय इलेक्ट्रल कॉलेज, इनके लिए स्पेशल इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाता है जिसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं? उसके अंदर इंक्लूड होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। अब आपने इसमें कैसे याद करना है कि इलेक्टेड मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे, यानी कि इसमें अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स आ गए इनमें से कोई भी, वो इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर इंक्लूड होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के इलेक्टेड मेंबर चूज कर सकते हैं इनके लिए। देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ ये दो हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, क्योंकि इनको इलेक्ट किया जाता है, बाकी सब जो नॉमिनेटेड है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। नॉमिनेटेड कौन हो गए? जैसे कि हमारे दो एंग्लो इंडियंस होते हैं, वो हमारे इंडिया के नहीं है, उनको हमने, हमारी जनता ने इलेक्ट नहीं किया है, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट चुनता है, इसलिए जिनको जनता ने इलेक्ट किया है इसके अंदर से वही आते हैं, इलेक्ट्रल कॉलेज के अंदर वही आते हैं। सो इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो यानी कि
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनको प्रोवाइड किया जाता है, कैसे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, और ये जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर चार लोग हैं या दो लोग हैं, ज़्यादातर दो होते हैं, उन लोग दो में से एक को हमने प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है, तो उनके लिए वोटिंग होगी, और वोटिंग कैसे होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। फिर उसके लिए ये लोग सिंगल बैलेट में वोट देते हैं, जैसे कि एक सिंगल बैलेट के अंदर ही वोट देते हैं कि कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, और इनको कितनी रैंकिंग देनी है। एक को, जैसे मैं हूँ, मेरे को वोट देनी है, मान लो मेरे को बी की, मैं बी को बनाना चाहती हूँ प्रेसिडेंट, बी के लिए 1 रैंक दे दी, देन इसके लिए 2 दे दी, इसके लिए 3 दे दी। सो ऐसे जिसको सबसे ज़्यादा रैंक मिल जाती है वो बन जाता है, विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी रैंक मिलनी चाहिए। सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट का मतलब क्या होता है, मोर देन हाफ नंबर ऑफ कास्ट, जितने भी वोटिंग कास्ट हुई होगी उससे आधे से ज़्यादा अगर वोट जिसको मिलेगी वो उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी माना जाएगा। बाई चांस अगर ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिलती है, सभी के कम कम हो जाते हैं, तो जिसकी सबसे कम मेजोरिटी होगी, जैसे ये वाला सबसे कम मेजोरिटी है, इसको हटा देंगे, बाकी बचे ये दोनों, इन दोनों के बीच में वोट होगी, और फिर ज़्यादा एब्सोल्यूट मेजोरिटी जब तक ना मिल जाए तब तक ये वोटिंग हो जाती है, और फिर जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को मिल जाती है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल नंबर 56 में कि इनका ऑफिस का टेन्योर कितना होता है, ये कितने देर अपने ऑफिस में, कितने सालों तक का इनका टेन्योर है। इनका 5 ईयर्स का टेन्योर है, ठीक है, और जब भी आप इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया है, जब भी इनको ऑफिस मिला है उसके 5 साल तक इनका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इनकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी बार ये ऑफिस में मतलब बने, कितनी बार प्रेसिडेंट बने, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ही प्रेसिडेंट बार बार भी इलेक्ट हो सकता है, उसमें 9 बार मतलब कि उनके री इलेक्शन में कोई भी ये नहीं है कि इतने 2 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, जितनी मर्जी बार बन सकते हैं। सो जितनी मर्जी बार बन सकते हैं तो वो 57 में आ जाता है। सो अभी इतना सम अप करने के लिए हमें क्या समझ में आया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है 52 के अंदर, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या है विद यूनियन, और उसके बाद इलेक्शन कैसे होगा सिंगल बैलेट के द्वारा, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव उनको वोट देंगे, ऐसे ये सब होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया जाएगा इस तरीके से। और फिर अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमें समझ में आ गया, 54 में आएगा, 55 में क्या है कि उसका मेथड कौन सा होगा, मेथड हमने बता दिया कि कैसा होगा, और फिर टर्म ऑफ ऑफिस कितनी है ये आया 56 में कि 5 साल, और लेकिन री इलेक्शन का प्रावधान दे दिया 57 में, ठीक है, कि यहाँ पे 9 बार कोई भी बार नहीं है री इलेक्शन, जितनी मर्जी बार एक पर्टिकुलर पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है। ये सारी चीज़ें इतनी हमने अभी इस वक्त याद कर ली सीरियल वाइज, पहले प्रेसिडेंट आया, फिर उसकी पावर बता दी, और ये हेड कौन सा होता है, ये हेड ऑफ स्टेट होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, बिल्कुल ये याद रखना, क्योंकि इनको जो पावर दी गई है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दी गई है, और इससे इनडायरेक्टली या इससे क्या निकल के आता है कि ये हेड है स्टेट के, और इनका इलेक्शन कैसे होगा, फिर मेथड ऑफ इलेक्शन इसके अंदर आया, एंड देन टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल, मैं ये रिपीट करी हूँ ताकि एक सब एकदम याद हो जाए आपको, और फिर यहाँ पे री इलेक्शन की बात आई 57 में। अब 58 देख लो किसके बारे में है, क्वालिफिकेशन, और 59 है कंडीशन के बारे में। सो क्वालिफिकेशन और कंडीशन एक ही जगह पे गिवन है वो मैं समझा देती हूँ। 58 कहता है कि ये सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, इंडिया के सिटीज़न कोई भी बन सकता है जब वो आपके जैसे बताया जाता है कि इतने टाइम इंडिया में हो तो वो इंडिया का सिटीज़न बन जाता है, ठीक है। सो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, एंड देन उनकी एज 35 ईयर्स ऑफ एज कम्प्लीट उनकी हो गई हो, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी, वो किसके लिए एलिजिबल हो, लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो। अब इसका क्या मतलब होता है, लोकसभा का क्या है, लोकसभा है हाउस ऑफ पीपल, सो अगर हाउस ऑफ पीपल है यानी कि वो इसमें अगर वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे तो यानी कि वो हमारी जनता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मेनली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का नाम दिया गया है, राज्यसभा नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख देगा एलिजिबल टू बी एलिजिबल इलेक्शन टू द लोकसभा या फिर राज्यसभा या दोनों। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा ना, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 59 कहता है कि वो कोई भी प्रॉफिट वाला जो है ऑफिस वो होल्ड ना करे, यानी कि अगर वो प्रेसिडेंट के लिए बने हैं तो वो प्रेसिडेंट का ही रोल अदा करे, और कहीं से उनको इनकम ना आती हो या प्रॉफिट के लिए वो ना हो। सो प्रॉफिट की जो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या डेफिनेशन है यहाँ पर प्रॉफिट की, लेकिन फिर भी
हमें बस इतना समझ लेना चाहिए कि प्रॉफिट से रिलेटेड आया है कि वो कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड ना करे, तो वो ये किस में आता है, 59 में आता है। सो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर भी ना हो जब उसको इलेक्ट किया जाए, लेकिन वो एलिजिबल हो लोकसभा के लिए। अब किसी का मेंबर ना हो पार्लियामेंट का या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का, अगर ऐसा होगा तो उस टाइम पे जब उसको प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करना है उस टाइम पे उसको वो वाली सीट छोड़ देनी चाहिए, वेकेट करनी चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब इसके इलेक्शन के लिए कौन कौन एलिजिबल है, किस किस में से ये वाइस ये टोटल प्रेसिडेंट चुना जा सकता है, सिटिंग प्रेसिडेंट जो इस वक्त बैठा है वो दोबारा इलेक्ट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर या फिर इन स्टेट आर एलिजिबल, ये सब एलिजिबल है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद आता है ऑफिस कब कब इनका टर्मिनेट हो सकता है, इनका 5 साल से पहले ही ऑफिस टर्मिनेट किया जा सकता है अगर वो खुद ही रिज़ाइन कर दें, राइटिंग में वो लिख दें, एड्रेस कर दें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या फिर उनको इम्पीचमेंट के केस पे रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। सो इम्पीचमेंट वाला केस प्रॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करूंगी, अभी हम इतना रिवाइज कर लेते हैं। सो अभी हमें क्या रिवाइज करना है, क्या समझ में आया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 में प्रेसिडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की प्रेसिडेंट के पास, फिर इलेक्शन कैसे होगा, मेथड ऑफ इलेक्शन, टर्म 5 साल या री इलेक्शन के लिए 9 बार, री इलेक्शन कभी भी हो सकता है, कितनी मर्जी बार एक प्रेसिडेंट बन सकता है, फिर क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर दी, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वगैरह वगैरह, और लोकसभा वाला वर्ड याद रखना बीच में से, देन कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस हमने डिस्कस करी कि कौन कौन सी होती है कि वो प्रोफिस वाला कोई भी होल्ड ना करे, और अगर वो मेंबर होंगे उस टाइम पे किसी भी पार्लियामेंट के या किसी भी जगह उन्होंने होल्ड करे होगा प्रॉफिट के लिए भी, तो उनको वो वाली सीट वेकेट करनी होगी ताकि वो प्रेसिडेंट का पद निभा सके। और फिर यहाँ पर ओथ है, 60 नंबर पे कहता है कि कैसे ओथ दी जाएगी, और इसके लिए हमें डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओथ और अफर्मेशन कैसे होगी प्रेसिडेंट की वो 60 में आया है, इतना आप याद कर सकते हो, 60 को ऐसे याद कर सकते हो, ओ ओथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लेसन मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी इम्पीचमेंट और फंक्शंस वगैरह ये सारे के सारे मैं नेक्स्ट लेसन्स में डिस्कस करूंगी। थैंक यू, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ताकि सभी इसका पार्ट बन सकें।